हेलो लर्नर्स डीएलएड के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं डॉक्टर रितु बख्शी आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूं, वो है पर्यावरण अध्ययन में अधिगम उद्देश्यों के आंकलन हेतु महत्वपूर्ण तथ्य प्रिय छात्र छात्राओं पर्यावरण अध्ययन में जब हम अधिगम उद्देश्यों की बात करेंगे तो सर्वप्रथम हमें पर्यावरण जो भी हमारे आस के लोग हैं और पर्यावरण के साथ हमारा जो संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए जो उद्देश्य बनाए गए हैं उसी के हिसाब से अंकलन की बहुत सारी युक्तियाँ और इसके महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान में रखने हैं प्रिय छात्रों आज हम इस पूरे पाठ को जब हम पूरा करेंगे तो आप सक्षम होंगे ई के संदर्भ में सीखने का संकलन करने का उद्देश्य बताना मतलब जो भी हमने इसको एस कैसे करना है ई जिसको कि हम पर्यावरण शिक्षा भी कहते हैं इसमें सीखने का आकलन करने में आप उसके उद्देश्य बता पाएंगे पर्यावरण शिक्षा में सतत व्यापक मूल्यांकन के उपयोग को स्पष्ट करने में आप लोग सक्षम होंगे और विभिन्न प्रकार के आकलन के महत्व को आप समझा पाएंगे जो कि औपचारिक हमारे तरीके हो सकते हैं अनौपचारिक तरीके हो सकते हैं रचनात्मक और योगात्मक आंकलन या मूल्यांकन होगा इसमें तो आप लोग सक्षम हो जाएंगे कि आप इसके बारे में सब कुछ जान पाएं और इसकी आगे विस्तार से आप इसको समझ पाए और प्रभावी आंकलन प्रथाओं की विशेषताओं की सूची भी आप बना पाएंगे इस पाठ के अंत में तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण व अधिगम उद्देश्यों का आपस में संबंध क्या है एक पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि एक आदमी को बहुत ही उसका दृष्टिकोण बदलने में उसकी सहायता करती है पर्यावरण में हम लोग रहते हैं जब कोई भी एक छात्र या छात्रा है कोई भी व्यक्ति जब भी स्कूल आता है आज तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है स्कूल जाने का या हमारा रहा है तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण से जुड़ी होती हैं अभी हाल ही में एक सेमिनार हो रहा था कहीं जिसमें कि अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने जो उसका टॉपिक लिया था वो अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति था तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा उस सेमिनार में किसी एक व्यक्ति के साथ आया था एक छोटे से बच्चे ने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया वहाँ बैठे सभी शिक्षाविदों को और मनोवैज्ञानिकों को वो बच्चा ये पूछता है कि आप इतनी देर से पत्र पढ़ रहे हैं सब लोग क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो शिक्षा है कि स्कूल जाना और जो शिक्षा है ये हमारे लिए खुशनुमा माहौल बन जाए तो सभी शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक इस बात पर चर्चा करने लगे कि जो हम बात कर रहे हैं वो सब शायद कहीं ना कहीं कागजी रह जाती है तो प्रिय छात्र छात्राओं ये जो अधिगम उद्देश्य हैं और शिक्षण इन दोनों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है लेकिन इसको हम कागज से लीक से हटकर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हम उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो जब हम पर्यावरण की बात करेंगे तो आंकलन पर्यावरण में जो आंकलन होता है वो एक शैक्षिक कार्य के लिए एक शिक्षार्थी की प्रतिक्रियाओं के बारे में एकत्रीकरण व्याख्या रिकॉर्डिंग और जानकारी इन सब चीज़ों का उपयोग करने के बाद आंकलन होता है उदाहरण के लिए जब एक शिक्षक अपने छात्रों को आनंद पूर्वक और नियमित रूप से परिसर में पौधों को पानी देते हुए देखता है तो वह सिर्फ देख नहीं रहा होता है वह विशिष्ट उद्देश्य जो कि ईवीएस में कुछ उद्देश्य बनाए गए हैं जिसमें हम रवैया या मूल्यों से संबंधित कुछ उद्देश्य होते हैं कि उसका दृष्टिकोण कैसा है उन पौधों को लेकर वो कितने प्यार से उन पौधों को पानी दे रहा है उसके संदर्भ में वो उसके सीखने का अंकलन कर रहे होते हैं तो ये आकलन जो है अवलोकन करता है एक शिक्षक अपने बच्चों को दे ये देख कर कि वो पानी दे रहा है तो कितना उसने आपस में पर्यावरण के साथ अपना संबंध बनाया है अब इन मूल्यांकनों की अगर हम बात बोलें सीखने के जो मूल्यांकन होते हैं कि हमने कितना सीखा इसकी आवश्यकता क्या है तो छात्रों के बीच सीखने की प्रगति की मात्रात्मक और गुणात्मक समझ जो होती है वो सक्षम करते हैं ये मूल्यांकन जब हम करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है ई के उद्देश्यों को साकार करने में आवश्यक अंतराल का निदान करना एक अध्यापक का बहुत बड़ा दायित्व है और उसके लिए आवश्यक उपाय जो करने हैं वो भी एक अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि आवश्यक अंतराल का निदान जो एक लर्निंग गैप्स आ जाते हैं जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ाते हुए क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें उसके बीच में से हम छोड़ देते हैं या उसको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई है तो वो जब हम धीरे धीरे आंकलन जब हम पूरा साल एक सतत आंकलन करते हैं तो उस अंतराल को हमें पहचानना है उसका निदान करना है और उसका उपाय करना है तो ये पर्यावरण शिक्षक होने के नाते ये हमारा एक उद्देश्य है कि हम इसको पूरा करें और छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया समय समय पर देते रहना चाहिए कई बार हमने देखा है क्या होता है कि कोई शिक्षक क्या करता है उसका उसने आकलन किया असेसमेंट दे दी लेकिन उसमें एक बच्चे का टेस्ट होता है और दस दिन के बाद उसको उसकी प्रतिक्रिया बताई जाती है उससे क्या होता है वो जो देरी होती है वो जो देरी है उसके सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधक हो जाती है और आगे सीखने के लिए उसके पास वो वो जो एक इससे क्या होता है सीखने में जो हम अंतराल की बात कर रहे हैं लर्निंग गैप आ जाता है तो प्रतिक्रिया जब भी दें एक तो जल्दी दें और बच्चे को प्रतिक्रिया देने के बाद उसमें सुधार ज़रूर करें और आगे सीखने में छात्रों को हमेशा प्रेरित करते रहें और उनका मार्गदर्शन करते रहें अधिगम और अंकलन इनका बहुत ही एक जुड़ा हुआ बिल्कुल ही आपस में जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं और इनका एक बहुत अच्छा संबंध है क्योंकि हमारा जो लर्निंग है और उसके असेसमेंट है दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो सर्वप्रथम प्रिय छात्रों हम बात करेंगे अधिगम के लिए आकलन क्या होता है अधिगम के लिए आकलन कि जो लर्निंग है उसके लिए हम आकलन कर रहे हैं अधिगम के लिए मूल्य मूल्यांकन निर्णात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है निर्माण किसी भी चीज़ का निर्माण करना है कि आप क्या कर रहे हैं कि जब भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं किसी के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है अर्थात जब हम किसी काम को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं हमने क्या सीखा और कहाँ हम जा रहे हैं उस चीज को अधिगम के लिए मूल्यांकन कहते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग उदाहरण तय जब हम खाना खाते हैं आपने घर में देखा होगा खाना खाते हुए हम बीच में कई बार खाने को चखते हैं तो ये जो हम खाने की जांच कर रहे हैं ये साथ साथ में जांच क्या कर रहे हैं कि नमक कम तो नहीं है हमने कैसा खाना बनाया है या इसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है अभी खाना बना नहीं है तो ये होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन कि हमारा एक विशेष उद्देश्य है कि बच्चे में हमें हमने क्या करना है उसके नॉलेज को स्किल को और उसके एटीट्यूड को उसके जो अपनी अधिगम के लिए उसका एक दृष्टिकोण है उसको बदलना है लेकिन क्या इसको हम अंत में सोचेंगे कि क्या वो हम दृष्टिकोण बदल पाए हैं या नहीं, नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग के साथ साथ बीच बीच में उनको कुछ कुछ क्रियाओं कुछ ही हम ऐसी प्रणालियाँ कुछ ऐसी युक्तियों से उनका आंकलन करते रहें दूसरा आता है अधिगम का मूल्यांकन अभी हमने पहले पढ़ा अधिगम के लिए अब है असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का मूल्यांकन तो ये अधिगम का जो मूल्यांकन है ये योगात्मक मूल्यांकन जिसको हम समेटिव रेटिंग भी कहते हैं समेटिव असेसमेंट कहते हैं उसके ऊपर आधारित होता है योगात्मक मूल्यांकन अर्थात हमने सब काम ख़त्म कर लिया हमने सब पढ़ा दिया और अंत में अब हम जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा तो उसके लिए हमें बहुत सी हम औपचारिक बहुत सी अनौपचारिक ऐसी युक्तियाँ हम इस्तेमाल करते हैं प्रयोग में लाते हैं जिससे हमें यह पता लगता है कि हमने कितना सीखा है उदाहरणतः जब कोई अध्यापक बच्चों को किसी भ्रमण के लिए लेके जाता है और बाद में स्कूल वापस आने पर प्रश्न करता है तो वह ये जांच रहा होता है कि बच्चों ने क्या क्या सीखा वहाँ जाने के बाद जो बीच में वो कर रहा था जाँच वो तो आपकी आ गई असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए मूल्यांकन और ये जो था ये जो बच्चे को वो बार बार लास्ट में पूछ रहा है कि आपने क्या सीखा और इस काम के बीच में उसने कुछ नहीं पूछा और अंत में जो मूल्यांकन किया वो आपका कहा जाता है अधिगम का मूल्यांकन अब इसका तीसरा अहम पहलू जो है एक अधिगम और अंकलन का जो संबंध के लिए एक बहुत ही अहम पहलू है वो है अंकलन या अधिगम के रूप में मूल्यांकन इवेल्यूएशन एज लर्निंग ठीक है कि असेसमेंट अधिगम के रूप में जब हम मूल्यांकन करते हैं कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन निदानिक और निदान जिससे कि रेमिडियल रेमिडी देनी है निदान देना है उस मूल्यांकन पर आधारित होता है छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं मतलब वो उस चीज़ का उसको निदान की तरफ लेके जाते हैं विद्यार्थियों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम एक बच्चा जब किसी कॉलेज में किसी स्कूल में आता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है एक ऐसी चमक एक ऐसी चीज़ होती है कि वो कुछ सीखना चाहता है वो एक ऐसी आ, ऐसे दृष्टिकोण के साथ आता है कि नहीं मुझे ये सीखना है और वो बहुत खुश होता है लेकिन कई बार क्या होता है हमारी जो शिक्षा प्रणाली है अगर मैं भारतीय संदर्भ में बात करूं तो हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी जो दिशा है कुछ गलत चल रही है तो धीरे 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 हम क्या पाएंगे कि वो बच्चे में जो एक आंखों में चमक थी जिसको हम स्पार्क कहते हैं स्पार्क इन द आइज़ ऑफ चिल्ड्रन वो कहीं ना कहीं धीरे 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 कहीं ना कहीं लगता है कि वो गुम हो रही है अब वो गुम क्यों हो रही है क्योंकि उसका निदान नहीं हो पा रहा है वो जिस चीज़ को यहाँ पे पाने आया था या एक खुशनुमा माहौल उसे नहीं मिल रहा है वो सीखना चाहता है लेकिन उसको ऐसा खुशनुमा माहौल मिल ही नहीं रहा है तो ये सारी चीज़ें किस पे निर्भर करती हैं क्योंकि बच्चे का अंकलन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पूरी की पूरी अधिगम प्रक्रिया में तो क्योंकि जब हम बच्चे को एसेस करके उसको कुछ रिजल्ट दे देते हैं उसके माता पिता को उसके अभिभावकों को बताते हैं कि आपका बच्चा इस राह पे जा रहा है तो वो मोटिवेटिंग भी हो सकता है या फिर बच्चे को पीछे खींचने वाला भी हो सकता है तो जरूर याद रखें कि जो इवेल्युएशन एज लर्निंग के पॉइंट में मैं बात कर रही हूँ आपसे निदान करना किसी भी चीज़ का निदान करना और वो भी बहुत जल्दी करना उसमें देरी नहीं होनी चाहिए छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्वक सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक दायित्व लेते हैं इस तरह की जब प्रक्रिया को निदान वाली प्रक्रिया को लेते हैं तो ये मान के चलिए शिक्षक को ऐसे ही भारत का या किसी भी नेशन का निर्माता नहीं कहा गया है बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है एक शिक्षक को तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही मूल्यांकन करें ध्यान में रख कर ही बच्चे का आंकलन करें क्यों ये अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है क्योंकि जब हम शिक्षा क्षेत्र में बात करते हैं तो आए दिन हम बात क्या करते हैं बाल केंद्रित आंकलन है ना अधिगम जो भी लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए गांधी जी की बात करें गांधी जी ने भी यही बोला आ, सारा का सारा उन्होंने इसी चीज़ पे बल दिया कि जो शिक्षा है वो आ, बाल केंद्रित तो होनी चाहिए आ, ये विवेकानंद जी ने बोला कि शिक्षा का जो सही अर्थ है वो अंदर से प्रतिभाओं को निकालना है जो कि बच्चे के अंदर ऑलरेडी पहले से ही छुपी हैं द डिवाइन परफेक्शन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन तो जब विवेकानंद जी ने भी बोला कि बच्चे के अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालना है तो ठीक है बहुत अच्छा एक ज़ुमला तो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा उनतीस की उपधारा दो के अनुसार मूल्यांकन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है सबसे पहले नंबर एक बच्चों का सर्वांगीण विकास हो शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम मात्रा तक विकास हो बच्चों को सीखने की क्षमता ज्ञान और उसके अनुपयोग की क्षमता का व्यापक और सतत मूल्यांकन हो अब पहली चीज़ जो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया में जिसपे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास मानसिक बौद्धिक हर तरह से उनका विकास होना चाहिए और ब्लूम्स टेक्सोनोमी में भी इसी चीज़ पे बात हुई कि तीन तरह की चीज़ें हैं तीन तरह के डोमेन्स हैं जिसमें कि बच्चे का विकास करना बहुत जरूरी है पहला आ जाता है उसमें ज्ञानात्मक दूसरा भावात्मक और तीसरा साइकोमोटर कौशल कौशल भी आना चाहिए बच्चे को भावात्मक रूप से बच्चे को आ, हर चीज़ का पता होना चाहिए उसका जो दृष्टिकोण है चीज़ों की तरफ बदला जाना चाहिए और जो नॉलेज बेस है उसका अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज है जो जिसको कि हम कह रहे हैं ज्ञानात्मक जो पहलू है ब्लूम्स टनोमी का उससे बच्चों को उसकी तरह से उनका विकास होना चाहिए कहने का अर्थ हुआ सर्वांगीण विकास अब शारीरिक और मानसिक हर तरह की योग्यता को पूर्ण रूप से हमें महत्व देना चाहिए और बच्चों को क्षमता ज्ञान और उसके अनुपयोगिक व्यापक और सतत मूल्यांकन करते रहना एक शिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी है अब शिक्षक ये करेगा कैसे बाल जो सेंटर्ड लर्निंग है अधिगम है वो शिक्षक करेगा कैसे करेगा वो कैसे सबसे पहले उसको निदान करना है आकलन जो करना है उसमें सावधानी से वो उसका जब आकलन करेगा तो उसको हम कहेंगे ये बाल केंद्रित शिक्षा है आकलन शिक्षक को सीखने में समस्या वाले क्षेत्र का निदान करने में मदद करता है आकलन निदान करने में मदद देता है मैं जोर देकर यही कहूंगी कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की जो भी उसकी कमियां हैं उसका निदान करना भी है उसकी सिर्फ अच्छाइयों को उभारना ही नहीं उसकी कमियों का निदान करना है कुछ गलत धारणाएं है होती हैं कि यह बच्चा नहीं कर सकता है बच्चे में यह क्षमता नहीं है अगर वो एक पर्टिकुलर क्षमता नहीं है तो कोई और क्षमता होगी लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं कर सकता है ये शब्द किसी भी शिक्षक की शब्दावली में कभी हो, होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आंकलन जब भी हमने करना बच्चे में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो बच्चा कर सकता है समझ की कमी कई बार आपने देखा होगा शिक्षक कक्षा में या अभिभावक हैं नहीं नहीं इसमें तो समझ की कमी है अरे नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है बच्चे में समझ की कमी कभी नहीं होती है समझ की कमी अगर है तो शिक्षक के अंकलन करने में है इसको जरूर ध्यान में रखें और सीखने में अंतराल जो लर्निंग गैप्स होते हैं ये सब बहुत अहम बिंदु हैं जब भी हम आकलन करें इन सब चीजों को भी ध्यान में रखें अब ये जो मैंने बात की इसका मतलब क्या है कि आप एक शिक्षक हैं आप एक सुविधादाता हैं आप एक सहकर्मी हैं आप एक सह शिक्षार्थी के रूप में अपने छात्रों के बीच सीखने के मजबूत और कमजोर क्षेत्रों का निदान करते हैं तो आप सिर्फ एक शिक्षक नहीं है आप एक रिसोर्स पर्सन है आप एक सुविधादाता हैं, आप सह शिक्षार्थी हैं तो आपको बच्चे को क्या करना है उसको आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहना है उसको प्रेरित करते रहना है तो जब आप एक ये वाला अपना मुखोटा उतार देंगे कि मैं सिर्फ एक शिक्षक हूँ तो आप क्या कर पाएंगे छात्रों के बीच सीखने के मजबूत और कमजोर क्षेत्र दोनों का निदान कर सकेंगे क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर निकल आओगे ना फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो मजबूत क्षेत्र भी उसके मजबूत क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करना है और कमजोर क्षेत्रों का निदान करना है ये आपका एक अहम उत्तरादायित्व है जो कि आपको निभाना है तो आपका प्रयास अब हर प्रत्येक छात्र को अपने आगे की शिक्षा में मार्गदर्शन करने के लिए होना चाहिए तो ये हम बात जब कर रहे हैं कि निदान कि दो जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं एक है डायग्नोस्टिक और एक है मार्गदर्शन देना डायग्नोस्टिक निदान करना और फिर उसको आगे का रास्ता बताना तो स्टीक निदान आवश्यक रेमिडिएशन के बारे में शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करता है जब आप निदान अच्छे से करेंगे तो रेमिडियल टीचिंग देके उसको रेमिडी उसको ठीक कैसे करना है वो शिक्षक को जो मार्गदर्शन है वो आपको जब अंकलन के द्वारा ही प्राप्त होता है जब आप आकलन बहुत अच्छा करेंगे एक वैद्य आकलन करेंगे उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो आप इस चीज के बारे में बहुत सशक्त तरीके से अपने छात्र को आगे के लिए प्रेरित कर सकते हैं एक अच्छा शिक्षक नैदानिक और मार्गदर्शन उद्देश्यों दोनों के लिए आकलन का प्रयोग करता है वह मूल्यांकन के तुरंत बाद सुधारात्मक कार्य लेता है ताकि शिक्षा प्रभावी और कुशल हो जाए इसमें याद रखिएगा शिक्षकों तुरंत बाद तुरंत बाद बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को देरी करते हैं किसी भी चीज़ में आकलन करने में देरी करते हैं तो उसका सुधारात्मक जो पहलू है वो कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट होता है तो मूल्यांकन के तुरंत बाद उसको उसका फीडबैक दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सुधार की जो है क्षमता जो है वो ज़्यादा हो जाए हमें आंकलन के माध्यम से छात्रों की शिक्षा पर प्रतिक्रिया भी मिलती है आंकलन के द्वारा और हमें ये पता चलता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है सीखने के उद्देश्य को हमने हासिल किया है या नहीं किया और अगर किया है तो किस हद तक किया है हर बच्चे को सफलता का अनुभव करने और सिखाने का आनंद देने का अवसर प्रदान करना कई क्षमताओं की खोज करें कि बच्चा अच्छा है और कई विभिन्न अनौपचारिक आंकलनों के माध्यम से सीखने में अंतराल को भरने के लिए बच्चे की मदद करें तो प्रिय छात्र छात्राओं लर्नर्स हमेशा याद रखें कि बच्चे की क्षमताओं की खोज करना ही एक शिक्षक का कार्य है उसकी क्षमताएं जो नहीं हैं या जहां पे उसकी कमियां हैं सिर्फ उसको उजागर करना आकलन नहीं होता है आप इससे पहले सत्र में पढ़ चुके हैं कि आकलन क्या नहीं है आकलन किसी की कमियों को उजागर करना नहीं है आकलन अच्छाइयों को और अच्छा बनाना उसमें जो प्रतिभाएं हैं उसको और अच्छा बनाना और जो उसमें कमियां हैं उसको रेमेडी देना उसका निदान करना और उसमें सुधार करना ये आकलन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं तो जैसा कि आप जो पिक्चर है इसमें देख रहे हैं कि जो ई शिक्षण है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये आंकलन जो है वो एक ही चीज़ से नहीं होता है ई शिक्षण कि एन्वायरमेंट है क्या इसके लक्ष्य क्या थे इसके उद्देश्य क्या हैं उसके बाद बच्चे का प्रदर्शन प्रदर्शन जो है बहुत तरह से होता है मौखिक है लिखित है या उसने पोर्टफोलियो बना के किया है या अवलोकन के द्वारा किया है तो बच्चे का जो प्रदर्शन है और तीसरी चीज़ जो हमने ई वी एस एनवायरमेंटल उद्देश्य अपने लिए निर्धारित किए थे ये सब चीज़ों को जब हम सोचेंगे कि ई वी एस शिक्षण क्या है बच्चे ने किस तरह से उसको लिया कैसे प्रदर्शन किया इसके उद्देश्य क्या थे और उसकी पूर्ति करने के लिए बच्चे ने क्या क्या कदम उठाए हैं तो हम उसका सही आकलन जो उसका निचोड़ निकलेगा जिस तरह से फिल्टर से होकर जो चीज़ निकलेगी वो होगा एक प्रभावी आकलन तो एक प्रभावी आंकलन जो है वो किसी भी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है अब हम बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की तो कोई भी आंकलन या मूल्यांकन शिक्षा उसका ये अंत नहीं है कि हम अंत में अभी हम इसको पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे हमारा काम है बच्चे को सिखाना नहीं बच्चे का अंकलन सीखने की प्रक्रिया इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है तो सीखना जो है एक सतत प्रक्रिया है इसलिए सीखने का अंकलन बीच बीच में होता रहना चाहिए अंकलन शिक्षक को सीखने में अंतराल और कठिनाइयों का निदान करने में मदद करता है और इन्हें जितनी जल्दी देखा जाए सीखने का प्रवाह सीखने की प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी बनेगी तो जितना जल्दी आप इसको कर पाएंगे उतना ही बहुत अच्छा है क्योंकि इससे सीखने की जो स्पीड होती है बच्चे की उसका जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो बढ़ जाता है और ये प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी हो जाती है सतत और व्यापक मूल्यांकन करते करते हम प्रत्येक छात्र को क्या करते हैं कार्य पूरा करने के लिए क्लासरूम का मूल्यांकन बीच बीच में हम करते रहते हैं इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया क्या रहती है निरंतर हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे का साथ साथ मूल्यांकन कर रहे हैं उसका जो शैक्षणिक क्षेत्र है और जो गैर शैक्षणिक क्षेत्र है हर पहलू को देख हम उसका आंकलन कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्कॉलेस्टिक और कोस्कॉलैस्टिक एरियाज इन सभी एरियाज़ को हम ध्यान में रखते हुए उसका साथ साथ सतत और व्यापक मूल्यांकन करते जा रहे हैं क्यों क्योंकि आकलन हमें प्रभावी चाहिए प्रभावी आकलन जो है वो बच्चे में एक तरह का कॉन्फिडेंस बच्चे को लगता है यस आई कैन डू मैं कर सकता हूँ जब मैं कर सकता हूँ तो वो और आगे करने के लिए उसके लिए प्रेरित होता है अब ये आकलन करने के बहुत से तरीके हैं जरूरी नहीं है कि इसके लिए शिक्षक ही करेगा ये आकलन अपना सेल्फ आत्मा आकलन भी हो सकता है पीयर असेसमेंट भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि साथियों द्वारा आकलन या एक शिक्षक भी कर सकता है माता पिता कर सकते हैं या कभी कभी स्कूल के अन्य कर्मचारियों द्वारा इस आकलन को किया जाना चाहिए क्योंकि देखने का पहलू बदलता है कि बच्चे में क्या प्रतिभाएं हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षक अभिभावकों के साथ लगातार बातचीत करता रहे बच्चों की प्रगति के बारे में और उनकी अच्छाइयाँ भी और कमियाँ भी उनको उजागर करे आज की शिक्षा में ये सतत और व्यापक मूल्यांकन और भी जरूरी क्यों हो गया है क्योंकि अभिभावकों की कुछ इच्छाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कुछ जो शिक्षक हैं वो भी अपने बच्चों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू हो गए हैं कि हर एक घर में हर एक माँ बाप को अपने घर में एक डॉक्टर इंजीनियर चाहिए तो अगर वो बच्चा नहीं बन सकता है तो इसका क्या मतलब है कि एक शिक्षक ने आकलन अच्छा नहीं किया हर बच्चे में बहुत सी छुपी प्रतिभाएं हैं जिसको उजागर करना एक शिक्षक की अहम जिम्मेदारी है तो अगर हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे तो बच्चे के विकास की एक समग्र तस्वीर तैयार करने में हमें इसकी इससे मदद मिलती है और पर्यावरण शिक्षा में तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा एक शिक्षा देना नहीं है पर्यावरण शिक्षा एक पूरी समूची तस्वीर को अलग से देखने की शिक्षा है अगर आज आप स्वच्छता अभियान की बात करें तो दृष्टिकोण चेंज करना दृष्टिकोण को बदलना इसका उद्देश्य है स्वच्छता अभियान का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता अगर हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे और ये दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें स्कूल से बच्चों से ही उस चीज को लेकर आगे जाना पड़ेगा अब पर्यावरण शिक्षा में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान रखने के लिए वो क्या है अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग करना आप कभी भी देखेंगे जो बच्चे हैं वो बहुत ऊर्जावान होते हैं और वो बहुत खुशनुमा होते हैं तो एक शिक्षक को अधिकार ही नहीं है कि उसकी ऊर्जा को और उसकी जो वो खुशनुमा बना रहता है उसकी इस चीज़ को उससे छीनने का जो उसकी वो स्पार्क जो शिक्षक धीरे धीरे उसकी आँखों से उसकी वो जो चमक छीन लेता है तो शिक्षक जो है वो सबसे बड़ा क्राइम कर रहा है तो बच्चों को प्रेरित करिए बच्चों को कुछ ऐसे आकलन युक्तियाँ अपनाइए बच्चों के लिए कि वो अपनी पाँचों इंद्रियों का इसमें उपयोग कर सकें जैसे पाँचों इंद्रियों में अपनी आँखों का उपयोग करें अपनी नाक का उपयोग करें अपने कान का उपयोग करें अपनी जीभ का उपयोग करें और अपने हाथों का प्रयोग करें आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे बच्चे कितने खुश होते हैं उनको खुला छोड़िए तो उनको खुला छोड़िए और फिर देखिए कि वो अपनी प्रतिभाएं किस तरह से आपको दिखाते हैं तो पर्यावरण शिक्षा में पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी हो जाता है अब जब बच्चे ने पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल कर लिया उसने प्रयोग किया तो अब देखिए अब निरीक्षण कीजिए हाँ तो बताइए बच्चों क्या देखा आपने आप दो चीजों में तुलना कैसे कर सकते हैं ये कैसा है और ये उस चीज से अलग कैसे है किसी चीज़ को सॉर्ट करना ऑर्गेनाइज करना इकट्ठा रखना समूह में चीज़ों को रखना या उसको अलग करना इसके क्या तरीके हो सकते हैं जब आप अपनी पांचों इंद्रियों को बच्चे को बाहर भेज के आपने वापस कक्षा में बुलाकर ये सब प्रश्न पूछे तो देखिए किस तरह के भिन्न भिन्न तरीकों से बच्चे अपनी प्रतिभाओं को और अपने आप को अपना आकलन आपसे खुद करवाते हैं आप बच्चों को कहिए भविष्यवाणी कीजिए आज के आने वाले दस साल के बाद हमारे पर्यावरण का परिवेश कैसा होगा उन पर बहुत से पर्यावरण की अच्छी चीजें उनके प्रयोग और उनके विचारों को एक दूसरे से साझा करने का प्रयास करें मूल्यांकन करना सोचिए और उसके बारे में बात करिए कि क्या हुआ और जो भी है बच्चों को सिखाइए कि इस चीज को लागू करना है तो वो अपना अपने आप अगर बच्चों को दे दिया जाए ये चीज तो किस तरह से करेंगे और हर नई स्थिति में बच्चों ने क्या सीखा है बच्चे सीख के क्या आए हैं तो इस प्रकार जब हम आकलन करेंगे पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा शिक्षक को शिक्षार्थियों की सभी पांचों इंद्रियों तार्किक सोच रचनात्मक सोच के साथ ही अपनी भावनाओं को विकसित और व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए जब वो उनको अवसर प्रदान करेगा उसकी पाँचों इंद्रियाँ खुलेंगी उसके जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो खुलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन अच्छे होंगे जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो अपने आप ही विद्यार्थी का जो पढ़ने का तरीका है जो अधिगम प्रक्रिया है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अपने आप ही प्रभावी होता जाएगा तो इसका नतीजा क्या होगा मूल्यांकन जो है वो पांचों इंद्रियों तार्किक सोच कल्पना और भावनाओं के माध्यम से सीखने पर आधारित होगा जब तो आंकलन निश्चित रूप पर बहुत ही प्रभावी आंकलन होगा तो आकलन के लिए सिर्फ पेन और पेपर नहीं ट्रू फॉल्स नहीं ऐसे uh, राइटिंग नहीं हमें क्या चाहिए हमें इसको एक मिक्स सी अप्रोच लेके चलना पड़ेगा अंकलन के लिए जिसमें कि औपचारिक तरीके भी और अनौपचारिक भी इन सब तरीक़ों को जब हम मिश्रित रूप से लेके चलेंगे जिसमें कि शिक्षक मौखिक लिखित और प्रदर्शन तीनों जो इसके तरीके हैं तीनों जो इसकी युक्तियां हैं जब उनको उपयोग करेगा तो निश्चित तौर पर अंकलन बहुत अच्छा होगा अब चलिए इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि आप व्यापक मूल्यांकन कर कैसे सकते हैं तो हम एक खाद्य का उदाहरण लेते हैं कोई भी खाने वाली चीज़ है खाद्य है तो आप इस तरह से चल सकते हैं खपत किए जाने वाले खाने पर समूह चर्चा कीजिए ग्रुप डिस्कशन खाद्य पदार्थ को इसके स्वाद के साथ मिलाएं मैचिंग जो होता है कि एक तरफ खाद्य पदार्थ हैं उसके टेस्ट हैं बच्चा अपनी सारी इंद्रियां यूज कर रहा है इसमें केवल गंध के माध्यम से खाद्य पदार्थों को पहचानें केवल स्पर्श द्वारा फलों और सब्जियों की पहचान करें विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते समय आवाज सुनें कि यह कुरकुरा है या नरम आंखों के लिए सुखदायक दिखने वाली एक थाली में खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करना दूध से दही बनाने में विविधताओं की कोशिश करना तो इस तरह से जब हम खाद्य पदार्थ हैं मान लीजिए है, हमने उसको कुछ दे दिया तो उससे बच्चे का अंकलन करना है उसी से जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसके बाद जो अंकलन होगा वो बच्चा अपने आप उस चीज़ को सीखेगा क्योंकि वो करके सीख रहा है वो आपको करके दिखा रहा है और इससे क्या होगा उसकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा और माहौल जो है वो खुशनुमा बनेगा तो आप मुझे ये बताइए कि एक शिक्षक होने के नाते आपको इसमें कितना समय लगेगा बच्चा तो खुद ही सीख रहा है बच्चे को आपकी जरूरत इतनी है कि आप उसे सुविधा प्रदान कर रहे हैं आप उसके साथ एक साथी की तरह खड़े हैं आप सिर्फ एक शिक्षक नहीं हैं। तो समय उसमें भी उतना ही लगेगा अगर हम औपचारिक तरीके से करेंगे उसमें भी उतना ही लगेगा लेकिन जो काम बच्चे ने खुद किया है लर्निंग बाय डूइंग आप सबने सुना है लेकिन ये कागजी बातें सिर्फ तब तक आ, अंकलन हम जब करने की बात करते हैं तो ये कागज़ पर रह जाता है उनको करने दीजिए और उसके बेसिस पर आप उसका अंकलन करिए और यही हमारा उद्देश्य है सतत और व्यापक आकलन कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य ही यही है अब जो आंकलन है इसके बहुत सी प्रकार हैं लेकिन हम बात करेंगे अभी प्रारंभिक और सम्यकित जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट टेक्निक्स जो होती हैं अब चलिए मैं आपके साथ छोटा सा एक इंसिडेंट बताती हूँ या एक कहानी के रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रारंभिक आकलन क्या होता है एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ एक बाहरी यात्रा पर था एक सप्ताह पहले उसने अपनी कक्षा में कीड़े की प्रकृति में निभाई गई भूमिका के बारे में चर्चा की थी यात्रा के दौरान उसने अपनी कक्षा में एक लड़के को मधुमक्खी तोड़ते हुए देखा तोड़ते हुए मतलब मसलते हुए देखा अभी वो कुछ दिन पहले उसकी इम्पोर्टेंस बता चुका था कक्षा में कि एक मधुमक्खी की हमारी प्रकृति में क्या इंपॉर्टेंस है तो उसने कक्षा में उस लड़के को मधुमक्खी को मसलते हुए देखा जब उसने बात की तुम इसको मसल क्यों रहे हो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो उसने ये पाया कि वो मधुमक्खियों से डरता है तो उसने उस बच्चे को एक बार फिर से उस शिक्षक ने याद दिलाया कि मधुमक्खियों की जो हमारी प्रकृति में क्या किस तरह से मधुमक्खियाँ हमारे परागण में हमारी मदद करती हैं और किस तरह से हमें इनका ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से प्रकृति के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज प्रकृति ने बनाई है तो उन्होंने ये संदेश देने के लिए कक्षा में एक नाटक का आयोजन किया था कि सभी जीवित प्राणियों को हमारे जैसा जीने का अधिकार है तो अब बताइए इस ये जो छोटी सी हमने एक इवेंट की चर्चा की इससे क्या हुआ शिक्षक को एक तो ये पता लगा कि वह मधुमक्खी से डरता है लेकिन उसने नाटक के माध्यम से उस बच्चे में मधुमक्खी के प्रति संवेदना सिर्फ मधुमक्खी का सवाल नहीं है एक पर्यावरण के प्रति संवेदना को बढ़ाया, कि संवेदनशील बनाया और उसका दृष्टिकोण बदला कि सभी जीवित प्राणियों को हमारे जैसा जीने का अधिकार है तो यह थी आपका एक तरह से प्रारंभिक की, आप करते -करते, आपने अभी शुरुआत ही की थी और बीच में आपने उसका अंकलन कर लिया अब शिक्षक ने एक सवाल पूछा जिसे समझने के लिए लिखा गया कि छात्रों ने मनुष्यों पौधों कीड़ों और अन्य जानवरों के बीच घनिष्ठ संबंध कितना अच्छा अच्छा समझा है इस नाटक के बाद कितना अच्छा घनिष्ठ संबंध समझा है तो आप सोचिए बच्चे इसको किस तरह से उजागर करेंगे है ना उन्होंने सीख लिया क्योंकि वो एक नाटक के माध्यम से उन्होंने सीखा एक अनौपचारिक तरीका था और साथ ही साथ उस नाटक के माध्यम से बाद में कुछ प्रश्न पूछकर उस शिक्षक ने क्या किया निदान भी किया और उस शिक्षक ने उनको धीरे 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 आकलन भी उनका करते चले गए और लिखित परीक्षा के अलावा शिक्षक ने समूह चर्चा भी की जिससे कि उनका जो आकलन है और भी अच्छे से हुआ अब अवलोकन उद्देश्यों का जो आकलन होता है उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट पियर मूल्यांकन सहकर्मी जिसको हम कहते हैं पियर असेसमेंट संचीय मौलिक रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं हमारे मौलिक रिकॉर्ड्स होते हैं परियोजनाओं के माध्यम से मूल्यांकन प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं भागीदारी और भागीदारी की गुणवत्ता जो कि हम क्या कहते हैं ग्रुप्स में हम जब काम करते हैं तो प्रिय छात्रों लर्नर्स आज के इस सत्र में हमने ये समझने की कोशिश की है कि शिक्षण अधिगम और अंकलन इनका आपस में संबंध क्या है जब भी हम शिक्षण अधिगम बनाते हैं तो उसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस शिक्षण अधिगम को पाने के लिए प्रभावी आकलन युक्ति कौन सी है कौन सा उपकरण है जो इस के लिए बहुत प्रभावी रहेगा तो आकलन जो है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रभावी आकलन उसके सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या काम करता है कमियों पर काबू पाने में सीखने में और समर्थन करने में हम सबकी सहायता के बारे में है मूल्यांकन प्रभावी होने के लिए यह निरंतर व्यापक विश्वसनीय वैध निष्पक्ष और लचीला होना चाहिए कक्षा में आकलन की प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड सीखने को समर्थन देने के लिए एक उपकरण के रूप में सहायक सिद्ध होता है बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है ये कि जब हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सकारात्मक सोच के साथ बच्चे को सिखाते हैं और आकलन उसका सिर्फ सिखा देने तक आपका काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि सिखाना और अकलन दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं आपने सिखाया आप अकलन कीजिए उसने सीखा नहीं सीखा अगर सीखा कितना सीखा और क्या लर्निंग गैप्स गए उसको दोबारा से आप उसको पूरा करने की और उसको आगे उसका सुधार करने की उसका निदान करने की पूरी की पूरी कोशिश करें और शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मूल्यांकन की विधियाँ बहुत आवश्यक होती हैं जिसमें कि हमने बात की कुछ औपचारिक विधियाँ होती हैं कुछ अनौपचारिक विधियाँ होती हैं परंतु सीखने के परिणामों का छोटी और बड़ी परीक्षाओं के माध्यम से आकलन करने की प्रक्रिया के रूप में आकलन पर एक तरफा ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप कई बार हम जो हमें अपेक्षित इसके रिजल्ट चाहिए होते हैं वो हम नहीं पा पाते हैं और खुशनुमा माहौल नहीं बना पाते हैं एक बच्चे के लिए तो ज़रूरी है कि हम छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो उसका आकलन करने के लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करें तो ये अकलन चीज़ क्या है ये अकलन क्या नहीं है इन दोनों चीज़ों में अपने आप से कुछ बुनियादी प्रश्न पूछिए जैसे आकलन किस लिए है किसके लिए है और किस चीज को मापता है ये बुनियादी प्रश्न है आकलन किस लिए था करना क्यों था और किसके लिए करना था बच्चे के लिए करना था और इसने फिर मापना क्या था यदि हम इन प्रश्नों के उत्तरों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से शिक्षा के लक्ष्यों और परियोजनाओं को जोड़ने में समर्थ होते हैं तो आकलन अर्थपूर्ण होता है अगर हम ये चीज़ें सोच लें ये प्रश्न हैं जो इन प्रश्नों का अपने आप से उत्तर दे पाएँ तो ये जो आंकलन होता है बहुत ही अर्थपूर्ण होता है अन्यथा ये जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं ये जो शिक्षा है ये बच्चों को सिर्फ एक कागजी या सिर्फ एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग नहीं बना पाने में हम बोल पाते हैं कि इस शिक्षा का यही योगदान रहेगा कि इसने जो एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाना था वो नहीं बना पाए तो पर्यावरण शिक्षा में बच्चों को पर्यावरण के साथ जोड़ना उनके दृष्टिकोण को बदलना इन उद्देश्यों में को ध्यान में रखें और इसके जो अंकलन युक्तियाँ हैं और अंकलन बच्चे का उसी तरह से करें तो छात्रों आपको इसी के साथ इसी सत्र का हम अंत करते हैं धन्यवाद